भाई साथियों, इस मुकाबले की बात करें, दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला, एक तरफ जेडी एकेडमी बहानू गौरव शिवम बच्चू अमित, दूसरी तरफ बात करें भाई राजस्थान की टीम, बहुत बेहतरीन टीम है, कमाल का प्रदर्शन किया है पूरे टूर्नामेंट में। मिर्जू की बात करें, चेतन की बात करें, युवराज की बात करें, सभी बेहतरीन खिलाड़ी, राहुल कमाल का मुकाबले सारे देखने को मिले हैं। युवराज युवा कबड्डी सीरीज का स्टार खिलाड़ी, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह काम करता हुआ इस टूर्नामेंट में भी। इस मुकाबले के ऑफिशियलिस्ट तरह सामने सभी, राजस्थान की टीम में भाई कमाल का प्रदर्शन इस समय बात की जाए तो, इस टूर्नामेंट में जितने भी मुकाबले खेले हैं सारे बेहतरीन गेम दिखाया है। पर्चा प्राप्त होता हुआ बड़ा मुकाबला, जो टीम जीतेगी सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। एक टीम रेड आर्मी जसौर खेड़ी सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला, ऑफिशियल बहुत बेहतरीन मुकाबला देखने की उम्मीद सभी दर्शक साथियों की और हमारे सभी फैंस को, जो भी स्पोर्ट्स वीडियो की फैमिली है, जिस तरह का मुकाबला आप देखना चाहते हैं ऐसा ही मुकाबला आपको देखने को मिलेगा साथियों। एक तरफ जेडी एकेडमी तो दूसरी तरफ राजस्थान, चेतन कैप्टन है राजस्थान के और अमित नागर कैप्टन है जेडी एकेडमी के। टॉस होता हुआ रणधीर कुमार मिश्रा जी टॉस कराएंगे इस मुकाबले का। चोर पुलिस के गेम में भाई चालाकी करते हैं चोर, लेकिन पुलिस उनकी चालाकी को भाई उन्हीं के हिसाब से पकड़ती है। एक हंसी मजाक के अंदाज, आज भेज दूंगा मुकाबला स्टार्ट होने जा रहा है साथियों। कमाल का मुकाबला आपके सामने इस समय, जेडी एकेडमी बनाम राजस्थान, गोरखपुर कबड्डी टूर्नामेंट का दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। मुकाबला स्टार्ट होता हुआ पहली रेड और पहली कैच लगा दी भाई अमित नागर ने। मुकाबले का समीकरण कहता है कि दोनों टीमें बिल्कुल बराबरी की, आमने सामने की टक्कर इस समय। बहानू तोमर 9 नंबर जर्सी मैच में, सावधान रहना होगा, चेतन से सतर्क रहना होगा, साइड हैंड टच लगाने का प्रयास बहानू का 2 नंबर जर्सी में। बोनस का प्रयास जरूर किया है कैबले का बोनस, क्योंकि एक पैर बोनस लाइन क्रॉस होना चाहिए, दूसरा पैर हवा में होना चाहिए और दोनों गतिविधि एक साथ होनी चाहिए। यहाँ जरूर ये गतिविधि एक साथ हुई है तो बोनस जायज बनता है। स्कोर दोनों टीमों का लेबल है, खाता खुल चुका है दोनों टीमों का। इस समय बच्चू जेडी एकेडमी की तरफ से कमान संभाले हुए राइडिंग डिपार्टमेंट की 6 कार्ड फैंस और भाई ये खिलाड़ी अद्भुत है, ये खिलाड़ी खास है, ये गलतियां होती नहीं अक्सर इस खिलाड़ी जैसे चेतन से, लेकिन यहां बच्चू ने गलती कराई और पॉइंट मिलेगा, खाता खुलता हुआ बच्चू का भी रेड में, तो वो एक स्कोर। युवराज इस खिलाड़ी पर निगाह रहने वाली है इस मुकाबले में, क्योंकि सारे मुकाबले बेहतरीन दिखाए हैं इसने, लेकिन रवि बैक होल्ड किया
समय पर सपोर्ट आया, अड़ाई लगाई, पॉइंट में लेकर एक और, धीरे धीरे जो अंतर है वो बढ़ता हुआ, 3-1 स्कोर, अर्जुन लेफ्ट हैंडर इस समय रेड में, अद्भुत नजारा गोरखपुर कबड्डी टूर्नामेंट का दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला, जो टीम जीतेगी एंट्री करेगी सेमीफाइनल में, टिकट मिलेगा। बैठ चुका एंकल होल्ड, युवा खिलाड़ी अर्जुन को किया बाहर, अनुभवी। इस टीम की बात करें तो बिरजू सबसे ज्यादा अनुभव बिरजू के पास, बहुत अंदर तक वार, दो नंबर जर्सी में अमित नागर, साहिल पर अटैम्प्ट लगाना चाहते थे लेकिन साहिल ने बाहर कर दिया अमित को। बच्चू स्कोर बराबर 3-3, चेतन को बाहर कर चुके हैं एक बार बच्चू, एक बार चेतन ने बाहर कर दिया बच्चू को। राहुल लेफ्ट हैंडर इस समय रेड्डी का माल संभाले हुए, गौरव सामने से आए, राहुल को निशाना बनाया, ये खिलाड़ी खास, ये खिलाड़ी अद्भुत, फिर वो कबड्डी में साहिज चाहे सिलेक्शन हुआ हो या ना हुआ हो लेकिन अपनी छाप छोड़ने में माहिर ये खिलाड़ी, हर टूर्नामेंट में अपना 100% देता है। अर्जुन 6 नंबर जर्सी में खिलाड़ी लीड में, कौन सी टीम जाएगी इस रेड में, स्कोर 4-4 बराबर, जब लगाने का प्रयास सामने से, एक और कमाल का टैकल, लीड आ गई राजस्थान के पक्ष में, पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीता रेड आर्मी जसौर खेड़ी की टीम ने, ये अंप अद्भुत है भाई, रवि रवि के ऊपर से कमाल की जंप देखने को मिली, ये चेतन, मैंने कहा था इस खिलाड़ी से सतर्क रहना होगा डिफेंस को, अगर आपको इस मुकाबले में वापसी करनी है और गेम को अपने पक्ष में करना है तो ये जो अद्भुत खिलाड़ी चेतन है, सुपर टैकल, कमाल का सुपर टैकल, स्कोर 6-7, 6-7 का स्कोर, तीन खिलाड़ी कोर्ट में, सुपर टैकल ऑन, एक बार फिर सिचुएशन, एक टैकल लगा चुकी है टीम, कमाल का सुपर टैकल देखने को मिला था, शिवम गौरव फिर से वही गेम, गौरव का एक और कमाल का सुपर टैकल, जीडी एकेडमी, दो सुपर टैकल लगातार, लीड में आ गई इस समय जेडी एकेडमी, पास कार्ड फैच, बोनस मिलेगा नहीं, मेहनत करनी होगी बच्चों को लेकिन सतर्क रहना है, तो एक खिलाड़ी जो लगातार गेम को पलटता है, थर्ड रेड डू डायरेक्ट बच्चू, 4-5 के डिफेंस में, दो खींचे लेफ्ट में, दो खींचे राइट में, सेंटर में, सबसे बेहतरीन और अनुभवी खिलाड़ी इस राजस्थान टीम का बच्चू, राइटर सेल्फ आउट, फिर से राहुल 3 के डिफेंस में, सुपर टैकल ऑन, क्या एक और सुपर टैकल, समय पर सपोर्ट आया, हाई फाई लगा दिया भाई गौरव ने, हाई फाई लगा दिया गौरव ने, पहले ही चंद मिनटों में, मात्र 6 मिनट में हाई फाई कर दिया इस खिलाड़ी ने, दो सुपर टैकल एक टैकल, कमाल का प्रदर्शन दोनों टीमों की तरफ से, बेहतरीन गेम, स्कोर की बात करें तो 8-10 का स्कोर, 2 पॉइंट की लीड में जेडी अकेडमी, अर्जुन 5 के डिफेंस में, 6 नंबर जर्सी में खिलाड़ी,
धीरे धीरे जो अंतर है वो बढ़ रहा है। एक समय 3 पॉइंट की लीड में आ गई थी राजस्थान, लेकिन इस समय पिछड़ती हुई। एक और कमाल का टैकल अर्जुन, 8-11 स्कोर। चार कट पैच बिरजू, थर्ड राइट डू आई राइट चार कट पैच, लेकिन अर्जुन के सामने 2 कैच लगा दिए अर्जुन ने अब तक। अर्जुन को बिरजू ने, युवराज चौधरी नाम है इस खिलाड़ी का, निकाह है सभी की इस खिलाड़ी पर। युवा कबड्डी सीरीज का स्टार इस समय राइडिंग डिपार्टमेंट की कमान संभाले हुए राजस्थान की तरफ से। अमित, एक और एम्प्टी रेड देखने को मिलेगी, क्योंकि गेम की जो जरूरत है वो यही कहती है डू और डाई रेड। चार के डिफेंस में मल्टी पॉइंट राइट, स्कोर हो गया बराबर 11-11। बिरजू उनका सम्मान करेंगे, परवीन जी पावर लिफ्टिंग बहुत लंबी कद काठी रिस्ट बेहतरीन खोलता है खिलाड़ी। क्या एक और सुपर टैकल बिल्कुल लगा दिया भाई, एक और सुपर टैकल जेडी एकेडमी का। थर्ड राइट वुड आई राइट, दूसरी राइट भाई टच का दावा तो था, पॉइंट तो मिलता, लेकिन विसल बच चुकी थी। री रेड कराई जाएगी भाई, डू अडाई रेड है। छेकड़ बैंच बोनस ऑन, बोनस का प्रयास और बोनस मिलता हुआ। फिर से 3 खिलाड़ी कोर्ट में, इस बार युवराज कमाल का सुपर टैकल किए हैं जेडी एकेडमी ने। शिवम फौजी भाई, शिवम फौजी कहर बरपाता हुआ ये खिलाड़ी डिफेंस में। मेरे हिसाब से ये भी हाई फाई लगा चुका है, क्योंकि 2 सुपर टैकल कर चुका है खिलाड़ी। डिफेंस बेहतरीन गेम दिखा रहा है इस समय जेडी एकेडमी का, लेकिन राजस्थान पलटवार करने में माहिर ये टीम, क्या फिर से पलटवार करके दिखाएगी। कभी लीड में राजस्थान तो कभी लीड में जेडी एकेडमी, लेकिन इस समय लीड में जेडी एकेडमी, और लीड है 5 पॉइंट की आपके पास। साहिल 2 नंबर जर्सी में, यहां पॉइंट मिलेगा। पॉइंट मिला एक और राजस्थान को, 1216 का स्कोर।
मल्टी पॉइंट रेड बच्चू की मुसीबत है बढ़ती हुई राजस्थान टीम की, क्योंकि जिस तरह का गेम चल रहा है, जो अंतर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। बारह 18 का स्कोर, लीड 6 पॉइंट की। गौरव ये अनुभव है, क्योंकि जानते हैं बिल्कुल लग कर बैठे थे एंड लाइन से एंकल पकड़ने के लिए। अर्जुन फिर से वही खिलाड़ी, बिरजू कोर्ट में है लेकिन बिरजू इस समय राइट कॉर्नर में नहीं। पॉइंट मिलेगा एक और, अर्जुन तेरे 18 स्कोर, 5 पॉइंट का अंतर जरूर है। ये मुकाबला धीरे धीरे हाफ टाइम की तरफ पहुंच गया है, लेकिन भाई पता भी नहीं लगी जिस तरह का मुकाबला चल रहा है। रोमांचक मुकाबला, पहला मुकाबला भी बहुत जबरदस्त रोमांचक मुकाबला होता, 5 पॉइंट से बाजी मारी थी रेड आर्मी की टीम ने पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में, सेमीफाइनल का टिकट कटाया। राहुल 4 के डिफेंस में, एक नंबर जर्सी में खिलाड़ी, एंकल होल्ड किया रवि ने, यहां पॉइंट मिलेगा एक और। थर्ड राइट वो डायरेक्ट, 13-19 का स्कोर, तीसरा दिन इस प्रतियोगिता का, क्वार्टर फाइनल मुकाबले स्टार्ट हो चुके हैं। लंबी फिलाई बिरजू पर, और पॉइंट मिला एक और अर्जुन को। इस बार अर्जुन को बिरजू को निशाना बनाया है, अंतर धीरे धीरे बढ़ रहा है, मुसीबतें बढ़ रही है, क्योंकि 3 ही खिलाड़ी कोर्ट में हैं। साहिल, गौरव, बोनस का प्रयास किया, बोनस मिलता हुआ बबलू नागर कोच। टीम को इंस्ट्रक्शन देते हुए, दिशा निर्देश देते हुए कहते हैं समय की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर ले लेनी चाहिए, लेकिन भाई इस राय का फायदा नहीं मिल पाया है। हिसाब से पहली रेड थी, जरूरत नहीं थी इस समय इस कैच की। 16-20 स्कोर, 5 का डिफेंस, 100 पर टैकल लगा है। दोनों कोच एक दूसरी टीम को इंस्ट्रक्शन देते हुए अपनी अपनी टीम को, बहुत बड़ा मुकाबला, जो टीम एक बार ऑल आउट हो जाएगी वो मुकाबले में भाई पस्त होती दिखेगी, क्योंकि जिस तरह का मुकाबला चल रहा है, जिस तरह का गेम चल रहा है, दोनों टीमों का जो डिफेंस है वो बहुत जबरदस्त गेम दिखा रहा है। 16-20 का स्कोर अभी भी, एक तरफ 4 का डिफेंस, एक तरफ 5 का डिफेंस। अर्जुन किक लगाने का प्रयास, फिर से वही खिलाड़ी 2 नंबर जर्सी में, साहिल 5 के डिफेंस में, एक और बैक होल्ड गौरव का, कमाल का टैकल। मध्यांतर का समय करीब इस मुकाबले में, समय काटते हुए गौरव, क्योंकि जानते हैं जिस तरह का गेम है, जिस तरह की इस मुकाबले में जरूरत है, उस हिसाब से काम करते हुए। सोलह 21,
एक और एम्प्टी नेट, थर्ड राइट डू डाई राइट, सुपर टैकल ऑन, एक सुपर टैकल लगा चुकी है पहले टीम, मेरे हिसाब से 3 से 4 सुपर टैकल जेडी एकेडमी लगा चुकी है, एक और सुपर टैकल टाई लगा दी, 5 का डिफेंस, फिर से युवराज को अंतर लेकर आए, गौरव ने युवराज को शांत रखा है पूरी तरह से, एक और एम्प्टी राइट, थर्ड राइट डू अडाई राइट, 5 का डिफेंस में युवराज, स्कोर की बात करें तो 18-21 का स्कोर है, अमित नागर सामने से आए निकलकर, कमाल का टैकल देखने को मिला, मध्यांतर के समय स्कोर की बात करें तो भाई 18-22 का स्कोर है, 4 पॉइंट का अंतर इस समय जेडी के पक्ष में है, फर्स्ट हाफ की कहानी बिल्कुल साफ आपके सामने हो चुकी है फैमिली, स्कोर की बात करें तो 18-22 स्कोर है, 4 पॉइंट का अंतर मात्र, जेडी एकेडमी ने लीड ले रखी है, लेकिन मुश्किलें ये है राजस्थान के लिए कि 3 खिलाड़ी कोर्ट में है, अगर यहां से ऑल आउट मिला तो भाई पूरी तरह से मुकाबला तो नहीं कह सकते जेडी की गिरफ्त में आ जाएगा, लेकिन कुछ परसेंट जेडी बढ़त में है अभी भी, और इजाफा हो जाएगा उस बढ़त में, पानू 3 के डिफेंस में, जिस खिलाड़ी से सतर्क रहना है उससे रह रहे हैं, सामने नहीं जा रहे चेतन के, रमेश को अंदर लेकर आए हैं, 18-23 का स्कोर, 5 पॉइंट का अंतर, खिलाड़ी 2 मात्र कोर्ट में, बोनस का प्रयास किया है, बोनस मिलता हुआ, ये 2 के डिफेंस में भारी, इसके बाद 2 बजे पानू ने मल्टी पॉइंट 2+2 रेड कर दी, 2 बोनस के, 2 ऑल आउट के जो अंतर है वो इस समय 8 पॉइंट का आ गया, 19-27 स्कोर हो गया, टाइम आउट लिया है, एक खिलाड़ी और बाहर जाएगा, उन्नीस 27 मतलब 8 पॉइंट की लीड में इस समय जीडी अकेडमी, बड़ा मुकाबला, रोमांचक मुकाबला इस समय आपके सामने चलता हुआ, राजस्थान बनाम जेडी एकेडमी, युवराज फर्स्ट हाफ में फीका फीका दिखाई खिलाड़ी, क्या सेकंड हाफ में वो काम कर पाएगा जो फर्स्ट में नहीं कर पाया, एम्प्टी रेट 19-27, दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला प्रगति पर इस समय, एक तरफ जेडी एकेडमी तो दूसरी तरफ राजस्थान की टीम, क्या बेहतरीन ये स्लिप है भाई, ये कमाल की स्लिप है, कहीं पर निगाह है कहीं पर निशाना, ये काम अक्सर करता है खिलाड़ी, गौरव मल्टी पॉइंट ऐड कर दी, 21-28 अभी भी अंतर 7 पॉइंट का है, इस मल्टी पॉइंट ऐड के साथ वापसी की है राजस्थान की टीम ने, बच्चू 8 नंबर जर्सी में खिलाड़ी, एंकल होल्ड लगा दिया, वापसी करती हुई राजस्थान की टीम धीरे धीरे, 4 का डिफेंस, राहुल बहुत अनुभवी खिलाड़ी है सामने गौरव, और काम कर रहा है उसी अनुभव का फायदा उठा रहा है ये खिलाड़ी,
चेतन सतर्क रहना है डिफेंस को, और सतर्क रह रहा है डिफेंस रेड्रो से। चेतन ने एक और कैच लगा दिया बेहतरीन। रवि ऑल आउट का खतरा बढ़ रहा था वह, हालांकि इस ऑल आउट से बार बार निकाला है इस डिफेंस ने। तीन खिलाड़ी कोर्ट में बचे हुए हैं जेडी एकेडमी के, बड़ी रेड है भाई ये, मल्टी पॉइंट रेड है ये, कमाल का गेम, फिर से वापसी करा दी जेडी ने, फिर से मुकाबले को 7 पॉइंट से अंतर कर दिया, 24-31 स्कोर। एक और पॉइंट राजस्थान, बेहतरीन मुकाबला, कमाल का ही गेम, कभी मुकाबला इधर तो कभी मुकाबला उधर, लेकिन इस समय नीड अभी भी 6 पॉइंट की जेडी के पक्ष में है। साहिल 25-31, अर्जुन सामने से आए, कमाल का समय पर सपोर्ट आया। पच्चीस 32 अंतर फिर से 7 पॉइंट का आ गया। यहाँ सतर्क रहना होगा जेडी एकेडमी को, अगर डू और डाई पर भी खेलेंगे तो उस तरह का डिफेंस काम कर रहा है कि आपका डिफेंस आपको मुकाबले में वापस ला सकता है। पूरी तरह से मुकाबले में बना के रखा है इस डिफेंस ने, रेडरो ने भी बखूबी काम किया है। वैसे बच्चों डू और डाई रेड में बिरजू के सामने सफलिंग करता हुआ खिलाड़ी, लेकिन यहां कामयाबी मिलेगी बच्चू को एक बार फिर। रवि एंकल होल्ड, मैंने नाम लिया रवि का और रवि ने वो काम कर दिया भाई। थोड़ा अनुभव भाई मुझे भी हो गया है धीरे धीरे ये वीडियो बनाते हुए और कमेंट्री करते हुए। 26-34 स्कोर, समय काटते हुए अर्जुन, क्योंकि जानते हैं और जरूरत भी है ये टीम की, क्योंकि ऐसे मुकाबले में आप 8 पॉइंट की लीड लेकर अगर डू डाई पर भी खेलेंगे। एक और चैन घालती भाई, ये क्या अद्भुत खिलाड़ी है, ये खिलाड़ी खास है। हालांकि ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत भाई प्रो कबड्डी में भी है, लेकिन ये दुर्भाग्य है इस खिलाड़ी का। दो के डिफेंस में एक और पॉइंट, लास्ट खिलाड़ी कोर्ट में, मुसीबतें बढ़ती हुई, 26-36 का स्कोर है, 26-36 का स्कोर है, बोनस को ओपन कर दिया है। बेहतरीन डैश अमित नागर का, बोनस जरूर मिला है, ऑल आउट मिलता हुआ। स्कोर की बात करें 27-39 का स्कोर, अंतर 12 पॉइंट का आ गया इस समय जेडी के पक्ष में। यहां से जो गेम की मांग कहती है कि आप डू और डाई पर खेलिए, अगर 12 पॉइंट की लीड लेकर भी आप इस मुकाबले में हार जाते हैं तो ये भाई बहुत बड़ा दुर्भाग्य आपके लिए, ये दुर्भाग्य मैंने पहले ही बताया था, ये दुर्भाग्य रहेगा आपके लिए। अर्जुन ये प्रसूट था कमाल का, लंबी फिलाई लगाई,
एक और एम्प्टी राइट। बोनस मिलता हुआ थर्ड राइट डू अढ़ाई राइट बानवे एक्शन में 29-39 अंतर 10 पॉइंट का बचा है। धीरे धीरे जो स्कोर है वो कम होता हुआ अंतर कम होता हुआ, हालांकि अंतर अभी भी 9 पॉइंट का बना हुआ है। करीब 10 मिनट के आसपास का समय शेष इस मुकाबले में। बहुत बेहतरीन हैंड टच, कमाल का हैंड टच, रनिंग हैंड टच है। मेन स्कोर शीट से मिला लो, इकतीस 39 स्कोर अभी भी। साहिल एडवांस टैकल समय पर सपोर्ट आया, पर कमाल का टैकल देखने को मिला। 41-40 और भाई 31-40 स्कोर, 31-40 9 पॉइंट की लीड अभी भी जेडी के पक्ष में है। करीब 8 मिनट के आसपास का मुकाबला शेष इस मैच का। थर्ड राइट डू अढ़ाई राइट समय निकल रहा है। ये पलटी है और पलटी भी बड़ी मछली जाल में फंसाई है। सबसे अनुभवी डिफेंडर चेतन को बाहर किया इस बार। अंतर धीरे धीरे बढ़ता हुआ, स्कोर की बात करें तो 10 पॉइंट की लीड इस समय जेडी के पक्ष में। यहां पॉइंट मिलेगा, समय की मांग है, राजस्थान को वापसी करनी है इस मुकाबले में। और अंतर बहुत ज्यादा भी 32-41 स्कोर। समय काट रहे हैं अर्जुन, बेहतरीन ये किक है भाई, कमाल की साइड किक। और वो खिलाड़ी एक और इधर भी बड़ी मछली जाल में फंसा दी भाई, खिलाड़ी को बाहर किया गौरव को, जो कि इस टीम की मजबूती है और जान है डिफेंस की। चार खिलाड़ी कोर्ट में, दो की चैन लेफ्ट में, दो की चैन राइट में। यहां बचना होगा लोना से बचना होगा। यहां पर कितने पॉइंट हैं, ऑफिशियल टाइम आउट क्या, रेड राउट या 2 पॉइंट। 33-41 स्कोर, डू और डाई राइट। लास्ट 5 मिनट, 34-41 स्कोर है, 34-41 का स्कोर अंतिम 5 मिनट से इस मुकाबले की। और डू आई डाई रेड है ये, अगर यहां पॉइंट नहीं मिला, और पॉइंट दे दिया भाई, दिया है, गिफ्ट कर दिया एक तरह से कह सकते हैं आप, ये पॉइंट भाई गिफ्ट किया है आपने। 34-42 लास्ट 5 मिनट का समय बुल चुका है। एंकल होल्ड कर दिया भाई पप्पी नागर, जो एंकल होल्ड के लिए जाना जाता है खिलाड़ी।
समय काटते हुए, क्योंकि जानते हैं अब अंतर 9 पॉइंट का भी है और दरकार है एक बड़ी रेड की राजस्थान को। लास्ट 4 मिनट का समय शेष, युवराज 5 के डिफेंस में शिवम फौजी, एक और कमाल की है, क्या अच्छा इस खिलाड़ी की। सबसे बड़ी मजबूती आपके पास ये है कि आपने डिफेंस में युवराज को शांत रखा और रेडर जब जब समय पर पॉइंट की जरूरत थी तब तब ये डिफेंस आपको पॉइंट दे रहा था। राजस्थान का रेडरों को लगातार पॉइंट दिए। अब समय की मांग ये कहती है कि 3 मिनट में आप अपने आप को सेव करिए। 10 पॉइंट का अंतर हो गया है, 10 पॉइंट से लीड में है आप, 3 मिनट का समय बच रहा है और पॉइंट एक और दे दिया। थर्ड रेड और आई रेड, पांच का डिफेंस है, एंकल होल्ड कर दिया, कमाल का एंकल होल्ड। चार का डिफेंस, 36-44, 8 पॉइंट का अंतर। लास्ट 2 मिनट, शिवम का एक और बेहतरीन डैश भाई, कम से कम 8 से 10 पॉइंट होंगे इस खिलाड़ी के इस मैच में, कम से कम 8 से 10 पॉइंट भाई। 36-45, 9 पॉइंट का अंतर। दूसरी सेमीफाइनलिस्ट टीम मिलने के लिए भाई कुछ ही छड़ बाकी और अभी तक लग रहा है एक और एंकल होल्ड। 37-45, 8 पॉइंट का अंतर। गौरव का ये डैश है भाई, कमाल का एक और डैश गौरव का। आप कह सकते हैं पूरी तरह से मुकाबला जीडी के पक्ष में। लास्ट 1 मिनट का समय शेष, लेकिन धड़कने भाई अभी भी बढ़ रही हैं, धड़कने बढ़ रही हैं जीडी एकेडमी टीम की। मुकाबला समाप्त भाई, जीडी एकेडमी दूसरी टीम बनी सेमीफाइनल में पहुंचने वाली, जीडी एकेडमी बनाम रेड आर्मी। मेरे हिसाब से सेमीफाइनल पहला, दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। थैंक यू दोनों दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। कोच खुश है एकदम, जिस तरह का काम किया है टीम ने। थैंक यू दोनों दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।